पॉल्यूट नहीं करना चाहिए। जब हम दीपदान करते हैं जैसे नर्मदा जी, तो उन्हें स्पर्श करके ऊपर रख देना चाहिए, ताकि जो दीपक होते हैं बुझने के बाद वो जो धोना होता है उसमें जाके फंस जाता है। हमारे साथ कुमारी तेजस्वनी है, जो लगातार कई वर्षों से अनवरत हर दिन महाआरती के पश्चात जबलपुर वासियों और इस माँ नर्मदा की गोद में आए हुए आस्थावान भक्तों को स्वच्छता की शपथ दिलाती रही हैं। ये जबलपुर सिटी की ब्रांड एम्बेसडर हैं, जो स्वच्छता को लेकर के लगातार लोगों को प्रेरित करती रही हैं। उम्र तो इनकी कम है, लेकिन हिंदुस्तान का कोई भी ऐसा पद वाला व्यक्ति हो या कोई भी ऐसी महान आत्माएं नहीं रही जिनको इन्होंने शपथ नहीं दिलाई। तो सबसे पहले तेजस्विनी, आपका स्वागत करते हैं द खबरदार न्यूज़ पर। अपने बारे में कुछ बताइए पहले। नर्मदे हर, मेरा नाम तेजस्विनी दुबे है, मैं क्लास 7th में हूँ जी, और मैं 12 इयर्स की हूँ जी। कितने वर्षों से आप स्वच्छता की शपथ माँ नर्मदा की गोद में यहाँ भक्तों को दिला रही हैं? जब मैं 5 इयर्स की थी तब से दिला रही हूँ जी। लगातार 7 वर्षों से आप ये कार्य कर रही हैं, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, और चाहती हूँ कि और मोटिवेट करूँ लोगों को स्वच्छता के लिए। तो आपके अंदर ये प्रेरणा कैसे आई, आपको किसने इंस्पायर किया? पहली बार जब यहाँ शपथ दिलाने के लिए आप आई थी तो कौन लेके आए थे आप? किसी कोई मेरे को लेके नहीं आया था। हाँ। पापा रोज बोलते थे। अच्छा। तो मैं फिर मेरा मन किया बोलने का, तो और यहाँ पे जब मैं पूजा करती थी तो काफी लोग गंदा करते थे जी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं दिलाती हूँ संकल्प। तो उस दिन से आपने शपथ दिलाना शुरू किया और 7 वर्ष लगातार जो थी ये सारी चीजें चल रही है। जितने भी भक्तगण माँ नर्मदा की गोद में आस्था की डुबकी लगाने के लिए आते हैं और सायंकालीन महाआरती में शामिल होते हैं, उन सबको तेजस्विनी के द्वारा शपथ दिलाई जाती है स्वच्छता की। और देशवासियों से माँ नर्मदा प्रगटोत्सव के दिन आप कुछ कहना चाहेंगी? हमें नदियों को पॉल्यूट नहीं करना चाहिए। जब हम दीपदान करते हैं जैसे नर्मदा जी, तो उन्हें स्पर्श करके ऊपर रख देना चाहिए, ताकि जो दीपक होते हैं बुझने के बाद वो जो धोना होता है उसमें जाके फंस जाता है, उससे नदियाँ गंदी होती हैं। काफ़ी लोग कपड़े धोते हैं, शैम्पू और साबुन में केमिकल मिले रहते हैं, जो नदी को भी पॉल्यूट करते हैं और उसमें जो जीव रहते हैं उन्हें भी। और हम काफ़ी ऐसे खाने पीने का सामान लाते हैं तो डस्टबिन से नर्मदा जी में डाल देते हैं, बहुत सारे नाले मिल रहे हैं, पन्नियाँ मिला देते हैं, वो सब नहीं करना चाहिए। स्वच्छता को लेकर के काफ़ी अध्ययन भी आप कर रही हैं, काफ़ी उस पर विचार भी कर रही हैं। अभी जबलपुर शिवराज जी आए थे तो उन्होंने कहा कि जबलपुर को नंबर एक बनाना है स्वच्छता को लेकर के। इंदौर पिछले 6 वर्षों से लगातार पहले नंबर पर हैं, जबलपुर वासियों से इसको नंबर वन बनाने के लिए क्या कहेंगे? हमें अगर जबलपुर को नंबर वन बनाना है तो सबको एक साथ मिलकर काम करना होगा। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।